को दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से ईद मिलाद के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। वहीं इस मौके पर 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम की जयंती पर आयोजित प्रश्न मंजूषा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ईद मिलाद का पावन पर्व सारी दुनिया में अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को दिग्रस शहर के ग्रामीण अस्पताल में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित इस शिविर में 82 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी तथा फोरम के कार्यकारी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में फोरम की ओर से हाल ही में डॉक्टर कलाम की जयंती पर आयोजित प्रश्न मंजूषा प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मान्यवरों के हाथों पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने इस दौरान अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर रक्तदाताओं ने रक्तदान की एक प्रेरक मिसाल कायम की है। एपीजे अब्दुल कलाम इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया। इसमें हर समाज के लोगों ने उनको साथ दिया और हमारे नबी ने जो एकता, अखंडता और शांति का पैगाम दिया और किसी की मदद करने के लिए कहा गया, यही है इबादत, यही दीन इमा के काम आए दुनिया के इंसान की इंसान, इसी के तहत हमने जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा। और ये ब्लड जो है किसी और के काम आएगा, जिसकी वजह से जो है तो किसी की जान बच सकती है। ये इंसानियत का काम आज हमारे यहाँ पे हुआ है। इसके लिए मैं यवतमाल से आई हुई टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पे जिन्होंने ब्लड दिया है उन तमाम रक्तदाताओं का, पत्रकारों का और सभी इंस्टीट्यूट के लोगों का, शिक्षक उनका, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस शिविर में वसंतराव नाइक सरकारी ब्लड बैंक यवतमाल के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने रक्त संकलन का काम बखूबी निभाया। बहरहाल एपीजे अब्दुल कलाम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से लगातार सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। मंगलवार को संपन्न हुए रक्तदान शिविर की सफलता के लिए फोरम के पदाधिकारी और सदस्यों ने काबिले तारीफ योगदान दिया है। बीसीएन न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।